बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो कि दोनों प्रोडक्ट मॉइस्चराइज़र हैं। तो आज मैं आपके साथ इन दोनों मॉइस्चराइज़र का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एक है मेडिकेटेड और एक है ये पॉन्ड्स का। मेडिकेटेड जो है वो है जी फार्मा हेल्थ का, जिसका नाम है सॉफ्टनर, और ये जो है जी पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। तो मैं आप लोग बताऊंगी कि मैं उन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। जी तो पहले हम बात करते हैं फार्मा हेल्थ के सॉफ्टनर मॉइस्चराइज़र के बारे में, डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑल डे लॉन्ग के। चलिए जी, ये जो क्लेम कहते हैं ईजिली एब्जॉर्ब इन टू द स्किन, इंश्योरिंग रिपेलिंग, सॉफ्टनिंग, स्मूथिंग, फ्रिमिंग, टोनिंग एंड आल्सो एट रेडियंस। और जी स्किन ये जो ट्यूब है 60 ml है, कि मैं एक दो ट्यूब इस्तेमाल कर चुकी हुई हूँ। अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको शेयर करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट हैं जी, इसके बेनिफिट पर बता देती हूँ आपको। यूज टू डेली मॉइस्चराइजिंग कंटेंट हेल्दी स्किन, हाउ इट्स वर्क। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ। इन्होंने तो बहुत कुछ क्लेम किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने यूज़ करने के बाद मुझे इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। ये बेसिकली मॉइस्चराइजर जो है ये बहुत ही अच्छा है फॉर ऑल टाइप स्किन, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, चाहे आपकी ड्राई है या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है। क्योंकि ये जो मॉइस्चराइजर है ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर है, तो वो ये मतलब कोई भी इसका नुकसान नहीं है। स्किन के लिए बहुत सारे मतलब बेनिफिट हैं इसके। हमेशा मेडिकेटेड चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये इसके लिए वाइटनिंग मॉइस्चराइजर है। इसके मतलब स्किन को इसके यूज़ के बाद ना स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ और ग्लोई सी हो जाती है। इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। शायद मैं आपसे अपना रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये टोटली रिकमेंड है मेरी तरफ से। आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए, चाहे आपकी ओली है, स्किन है, स्किन जोन सी भी है आपकी, आप बिल्कुल ईजी होकर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसकी प्राइस जो है वो है अराउंड 500। और जी इसकी जो बोतल है ये 60 ml, और थोड़ा सा ही लगाने से मतलब अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, बहुत अच्छे से स्किन को फ्रेश फील होता है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, टोटली रिकमेंड है। अब बात करते हैं जी पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइज़र के बारे में। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है नॉन ऑयली फ्रेश फील है, तो वैसे ये नॉन ऑयली और फ्रेश फील ही, लेकिन इसके ना रिजल्ट्स मुझे कुछ खास नहीं लगे। ये भी मैंने काफ़ी अर्सा यूज़ किया, लेकिन मुझे इसके यूज़ के बाद ना अपनी स्किन पे ना छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने बन जाते हैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ। तो मेरी स्किन को तो ये सूट नहीं किया। हालांकि ये बिल्कुल ये लाइट वेट है, मेरी स्किन को ये बिल्कुल सूट नहीं किया। तो मैं अपने फेस पे अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी, बाकी हाथों पे या पैरों पे या बाकी आप बॉडी पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं सूट किया। बाकी आप की स्किन को सूट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऑनेस्ट यूज़ कर रही है। और जो ये सॉफ्टनर मॉइस्चराइज़र है इसको आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मॉइस्चराइज़र है। आप इसको यूज़ करोगे तो दुआएं दोगे, इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। बार बार बाय करने को दिल करेगा, ये इतना अच्छा वाइटनिंग मॉइस्चराइजर है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।